हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करा रही है। यूं महसूस होता है मानो आप इस सभागार में उपस्थित होकर प्रकाश पुंज की भांति हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सभी माता पिता की उपस्थिति इस सभागार में देखकर बरबस ही एक शेर याद आता है मिर्जा गालिब की, आप आए इस सभागार में खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी सभागार। आज मैं यहाँ पे कुछ पठन पाठन की बात नहीं करना चाहता हूँ, आज संगीत मनोरंजन का कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों को तनाव से दूर रखने का एक प्रयास है छोटा सा संस्थान के द्वारा। साथ ही साथ पढ़ाई के अलावा उनमें जो अन्य कलाएं छुपी हुई हैं उसको निखारने का, उसको देखने का, उसे खुद उसे एहसास कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि आज कुछ अन्य बातें की जाएं पढ़ाई से हट करके। सबसे पहले मैं छात्रों को कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो सफलता के लिए पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन पढ़ाई करना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, इसके अलावा भी अन्य चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है संस्कार। अगर विद्यार्थी में संस्कार नहीं है तो उसे मैं विद्यार्थी नहीं समझता। विद्यार्थी में संस्कार होना जरूरी है। संस्कार का मतलब कई सारा चीज होता है, संस्कार अपने अंदर काफी सारे शब्दों को समेटे हुए है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आदर करना, सभी का आदर करना, लेकिन खास तौर पे माता पिता और गुरुओं के प्रति आदर जरूरी है। आजकल अमूमन देखने को मिलता है कि पाश्चात्य जो सभ्यता है भारतीय संस्कृति पे हावी हो रही है और छात्रगण पाश्चात्य की ओर मुड़कर कहीं न कहीं अपने माता पिता के प्रति उतना डेडिकेटेड नहीं रह पा रहे हैं जितना कि हमारे भारतीय संस्कार में हुआ करता था। तो मैं उन्हें बता दूं कि हम लोगों का जो कल्चर है शुरू से ही प्रभु श्री राम के टाइम से ही कहा तुलसीदास ने, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माथा। कहना चाहता हूं कि जिसके पेरेंट्स आपके साथ हैं अगर आज भी आप कृपया प्रातः उठें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के दो वैज्ञानिक कारण हैं और एक साइकोलॉजिकल कारण भी है। साइकोलॉजिकल कारण यह है कि हम लोग जब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झुकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अहंकार का त्याग कर रहे होते हैं। जैसे ही आप झुकते हैं चरण स्पर्श के लिए, यूं समझिए कि आपने अहंकार का त्याग कर दिया, और जिसने अहंकार का त्याग कर दिया बेटा जीवन में 80% सफलता उसके से ही मिल जाती है। क्योंकि सीधा खड़ा रहना फलदार वृक्ष का काम नहीं है। वृक्ष वही झुकते हैं जिनमें फल लगता है। मैं तुझे फलदार वृक्ष के रूप में देखना चाहता हूं, ऐसे वृक्ष के रूप में नहीं देखना चाहता जिसमें फल नहीं लगते हैं। एक बात जो जरूरी है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। तिब्बत में कुछ बच्चे पढ़ा करते थे आश्रम में, गुरुकुल आश्रम में। एक गांव से निकलकर जाते थे, बीच में एक नदी पड़ती थी, नाव से पार होकर के वहां पे एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था मारपा। तो एक दिन नाव का जो नाविक है, जो नाव चलाने वाला है, किसी कारणवश अनुपस्थित हो गया। गांव के सारे बच्चे नदी पे गए, लौट कर चले आए और मारपा स्कूल पहुंच गया। गुरुजी ने पूछा कि सारे बच्चे नहीं आए, तुम कैसे आ गए? उसने कहा कि मैं तो नदी पे पैदल पार करके आ गया पानी पे चल के। गुरु ने पूछा कि ऐसी कौन सी कला तूने सीख ली? तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी आप ही तो कहा करते थे कि गुरु की ऐसी महिमा होती है कि उनके नाम पर तो बड़ा से बड़ा सागर पार हो सकता है आदमी,
तो मैं आप ही के नाम पर तो चलकर पार हो गया, आप ही का नाम ले रहा था और नदी में पैदल चलते हुए चलाया। गुरु जी को लगा कि ऐसी बात है, मेरे नाम में इतनी महिमा है, तो बोले कि ठीक है मैं शाम में जाकर देखना चाहता हूं कि तू कौन सी विद्या सीखा और मैं कैसे मेरे नाम में इतना कमाल कर दिया। शाम में जब वो गए छुट्टी के वक्त, मारपा फिर नदी पे चलने लगा पानी पे, तो बोले मारपा इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तो मैं आप ही का नाम ले रहा हूं गुरुजी। गुरुजी को थोड़ा अभिमान आ गया, गुरुजी को लगा तेरे की तो मेरे ही नाम पे जा रहा था और हम ही अपने आप को नहीं समझ बैठे। वो बोले ठीक है मैं भी चलकर दिखाता हूं। जैसे ही कदम बढ़ाए नीचे चले गए, डूबने लगे। शिष्य ने पूछा गुरु मेरे ये मैं क्या देख रहा हूं? वो होश में आए और बोले कि मारपा शायद तुम्हें मुझ में सच्ची श्रद्धा है इसलिए तुम नदी को पार कर पा रहे हो, और लगता है कि हमें हमारे गुरु में श्रद्धा नहीं थी इसलिए हम डूब रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु में जब सम्मान होता है तो वो सारी विद्याएं जो सीखने में काफी वक्त लगता है, काफी समय लग सकता है आपको सीखने में, आप सहज ही सीख जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है प्रभु श्री राम के बारे में ही कि गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम ही समय में उन्होंने विद्याओं को पा लिया। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरुओं की बड़ी आदर करते थे। तो दूसरी बात है संस्कार के साथ साथ कि यहां विद्यार्थी अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मैं IIT कर सकता हूं, मेडिकल कर सकता हूं। दूसरे उन्होंने कुछ समझा दिया IIT बहुत टफ होता है, मेडिकल बहुत टफ होता है, उसे वो मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसने विश्वास खो दिया वो सफलता का रहस्य खो दिया। जो सबसे बड़ी रहस्य है सफलता पाने की वो है आत्मविश्वास। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं, एकदम रियल वाक्य है और कहीं स्टोरी में भी आया है। हमारे गांव के बगल में एक जमींदार फैमिली हुआ करती है, आज भी है। उन लोगों का काम ही है हाथी पालना, हाथी पालते हैं, हाथी भी उनका व्यवसाय है। एक साइड से लोग जाते हैं, सब लोग उनके हाथी का बच्चा खरीदते हैं, वो हाथी बेचते हैं। मैं भी एक बार हाथी का बच्चा खरीदने के लिए उनके यहाँ गया तो देखा कि एक विशाल हाथी को उन्हें पतली सी जंजीर से बांध कर रखा हुआ है। मैंने कहा कि सर ये इतने विशाल जानवर को आप इतनी पतली रस्सी से बांध कर रखे हो, आपको डर नहीं लगता ये मकान के अंदर पाले हो इतना विशाल, ये पागल हो जाएगा तो सारा दीवार तोड़ देगा, आप लोगों को मार देगा। बोले नहीं प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हाथी को उस समय से हम रखे हुए जिस समय से बच्चा था, और जब बच्चा था नटखट था, उछल कूद करता था, उस समय इसकी शक्ति नहीं थी उतनी, मैं उसी समय से इसको इस पतले चेन से बांधते आ रहा हूँ, उछलते कूदते ही चेन को नहीं तोड़ पाया, और आज जब ये बड़ा हो गया है तो इसे विश्वास हो गया है कि चूंकि पहले हम नहीं तोड़ पाए थे इसलिए आज भी ये नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए अब कोशिश ही नहीं करना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, आप लगातार कोशिश जारी रखें, आप सफल होंगे, क्योंकि दिनकर ने भी कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर मानव में बहुत असीम शक्तियां हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वाकई पत्थर पानी बन सकता है, आप पत्थर को पिघला सकते हैं, इसलिए आप कोशिश जरूर करें। समय अभाव है, ज्यादा कुछ आज नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते अब एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ को असफलता हाथ लगती है, तो असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है बेटा, निराश नहीं होना है। मैं कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिसने IIT में दाखिला नहीं ले सका, IIT नहीं पास कर सका, लेकिन आज की तारीख में वो IAS बन के कहीं उसकी पोस्टिंग है, और मैं ही उसे कहने वाला था तुम IIT नहीं के कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं गुरु जी अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कि नहीं शायद इसलिए अच्छा हुआ है कि तुम और कुछ अच्छा कर सको, और मैंने उसे IAS की तैयारी करने के दिल्ली भेजा, और आज वो बच्चे IAS हैं और IPS हैं। मैं दो रिजल्ट ऐसा आपको दिखा सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ।
असफलताएं